ब्यावर में एक बार फिर नकली शराब के फलते फूलते कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। अवैध रूप से शराब की पैकिंग हेतु बनाए गए करीब 11,500 ढक्कन और नकली अंग्रेजी व देसी शराब की 25 पेटियां बरामद की गई। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते उक्त कारोबार का खुलासा हो पाया। देर रात मुखबिर के जरिए मिली सूचना के बाद हुई इसी कार्रवाई के बाद शहर की लाइसेंस शुदा करीब 6 दुकानों को सीज किया गया और आज सुबह दुकान खुलने के दौरान दुकानों में से शराब के सैंपल लेकर अजमेर लैब भिजवाया गया। हालांकि दुकानों का संचालन यथावत रहा, लेकिन लिए गए शराब के सैंपल और रिहायशी इलाकों में स्थित मकान से बरामद नकली शराब को पैक करने के उपकरण ने एक बार फिर शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। गौरतलब है कि अन्य राज्यों में ही नहीं बल्कि ब्यावर खुद नकली शराब दुखांतिका का गवाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर शहर में अवैध शराब के फलते फूलते कारोबार ने शहर को हिला दिया है। पुलिस और आबकारी की संयुक्त कार्रवाई ने यह तो तय कर दिया है कि शहर में नकली शराब का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम के असली गुनहगार तक पहुंचने में अभी सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस ने इस मामले में मौके से भागे यूपी निवासी दो आरोपी सतीश व कौशलेंद्र नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी मनीष चौधरी व जिला आबकारी अधिकारी तारा वैष्णव ने बताया कि मुखबिर के जरिए मिली सूचना के मुताबिक आबकारी विभाग के साथ मिलकर रिको इंडस्ट्रियल एरिया की पंचवटी कॉलोनी में वेद प्रकाश के रिहायशी मकान में दबिश दी गई। मौके से अवैध शराब को पैक करने वाले 11,500 ढक्कन व 25 पेटी अंग्रेजी देशी नकली शराब बरामद की गई। मौके से भागे दो आरोपी सतीश राय और कौशलेंद्र नामक व्यक्ति को पुलिस ने मसूदा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जायसवाल ग्रुप की ओर से उक्त कारोबार संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने जायसवाल ग्रुप की विभिन्न दुकानों को सीज कर दिया। पुलिस ने देर रात गोलप्याऊ कोर्ट गेट के पास, अजमेरी रोड अजमेरी गेट बीएल टावर के पास, चांग गेट सेंदार रोड इस शराब की दुकानों को सीज किया। अल सुबह दुकान खुलने पर सभी दुकानों से सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजा गया। पुलिस ने मौके से न केवल ढक्कन बल्कि नकली रोल हॉलमार्क के पैकेट भी बरामद किए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के लिए डीवीआर भी जब्त किया गया। ब्यावर सर्कल में कुछ मुखबिरी के आधार पर जो पंचवटी एरिया रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक रिहायशी मकान में काफ़ी सारे ढक्कन, लगभग 11,500 ढक्कन और 25 पेटी देशी और अंग्रेजी सब आपकी नकली जो पेटियां हैं वो मिली है। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उनको जयसवाल ग्रुप है और वेद प्रकाश करके हैं, इनको मुख्य बनाया जाएगा। और इन सब कार्रवाई के बाद राजस्थान एक्साइज एक्ट की जो धारा 16 54 है और 1954 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये सब कार्रवाई होने के बाद में इन अभियुक्त की निशानदेही पर जो लाइसेंस शुदा दुकानें हैं ब्यावर सर्कल की 6 दुकानों पे विभाग द्वारा सैंपल लिए गए और इन्हें सैंपल की जांच करा के और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दुकानें सीज नहीं की, उसमें सैंपल लिए, अगर कोई अनियमितता मिलती तो उसको तुरंत सीज किया जाता, क्योंकि ऐसी कोई अनियमितता मिली नहीं है और उनके सैंपल लिए गए हैं, उनको जाँच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह संशय है कि आखिरकार कार्रवाई किसके प्रयास से की गई, लेकिन डिप्टी के पूरे मामले में सतर्कता दिखाने और रात्रि में भी डिप्टी की ओर से मामले पर नजर रखने से यह तो साफ हो गया है कि पुलिस ने उक्त कार्रवाई में अपना रोल दिखाया है। यहां सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने के इस कारोबार का आबकारी विभाग को क्या पहले पता नहीं था, और अगर पता नहीं था तो आबकारी विभाग की ओर से की जाने वाली छोटी मोटी कार्रवाई क्या खाना पूर्ति मात्र थी, क्योंकि इतने मामलों में नकली शराब निर्माता की चैन तक नहीं पहुंच पाना सभी जांच को शक के दायरे में लाता है। कार्रवाई के सवाल पर जिला आबकारी अधिकारी ने हवाला दिया कि सूचना मिलते ही कार्रवाई जरूर की जाती है। पहले कोई ऐसी हमारे पास पुख्ता सूचना नहीं थी, पहले हमने एक दो बार कार्रवाई करने की कोशिश की, परंतु उस टाइम कोई चीज हमें हाथ नहीं लगी और जैसे ही हमारे पास कोई पुख्ता चीज और जानकारी सामने आई तो कार्रवाई करवाई गई विभाग द्वारा। प्रारंभिक दृष्टि क्या ये पता? अभी ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। जिन 7 दुकानों पर, 7 दुकानों पर भी मिले? नहीं, अभी ऐसा कोई चीज दुकानों पे नहीं मिला, तो इसलिए हमने अभी केवल सैंपल उठाए हैं वहाँ से। अगर उनमें कोई अनियमितता या इरेगुलरिटी या कोई ऐसी चीज मिलती है कि सैंपल गलत है, तो फिर हम उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। उधर डिप्टी मनीष चौधरी ने मामले का खुलासा कर साफ किया है कि पूरे मामले में नकली शराब निर्माता तक पहुंचना मकसद होगा और करीब एक सप्ताह बाद जांच आने के बाद कार्रवाई को गति भी दी जाएगी, असली गुनहगार तक पहुंचने का प्रयास होगा।
हमने जो सीसीटीवी जो है वो उसका डीपीआर हमने सीज किया है और वहाँ से हमने जो है कुछ लोगों को दस्तयाब किया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो एक बार जो सीसीटीवी है उसको आगे के इन्वेस्टिगेशन में उसको एनालिसिस कर लें और जो जिन लोगों को दस्तयाब किया हम लोगों ने उनसे हम पूछताछ कर लें। इसके बाद जो है हम जो एक्साइज भी अपने कार्रवाई कर रही है, जैसे उन्होंने सीज करके दुकानें और कुछ सैंपल दिए हैं, तो ये एक मिला जुला आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, उसके बाद में सामने आएगा कि और आगे इससे रिलेटेड क्या कार्रवाई करी जाएगी। तो करीब 6 दुकानें जो हैं वो ब्यावर में थी, वो एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको सील किया था। ये इनका एक लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट जो है सैंपल उठाते हैं, जब जो भी हमें ढक्कन जो नकली ढक्कन हमें मिले हैं उन्हीं शराब के जो हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने सैंपल उठाए हैं, अब वो लैब में चेक होंगे और अगर वो नकली मिलते हैं तो उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करी जाएगी और कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ये धीरे धीरे सामने आगे चीज़ें आएंगी। पूरे मामले का खुलासा होने पर आबकारी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई बधाई की पात्र है, लेकिन उससे भी बड़ी बात शहर में धड़ल्ले से बिकी अवैध शराब है। इतनी बड़ी मात्रा में ढक्कन प्राप्त होने से अंदेशा लगाया जा सकता है कि आसपास के क्षेत्र में कितनी मात्रा में अवैध शराब का संचालन किया जाता होगा। शहर शराब दुकानिका का दर्द झेल चुका है, ऐसे में अवैध शराब का फलता फूलता कारोबार एक बार फिर युवा पीढ़ी को भी नशे के दलदल में धकेल रहा है। वहीं बड़े पैमाने पर नकली कारोबार कई लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। अब देखना यह है कि विभाग इस कार्रवाई के बाद नकली निर्माता को कितना जल्दी पकड़ पाता है या फिर ये कार्रवाई भी महज फाइलों में दब कर रह जाएगी और तब तक नकली शराब का कारोबार फिर फलता फूलता दिखेगा।